गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनल करनाल, क्लास सेवन्थ, सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। चैप्टर नंबर 10 है आपका, ये चैप्टर नंबर 10 है, बुक पेज नंबर 127। हमने पढ़ा था ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग हमने पढ़ा था कि हमने दो वर्ड इसमें पढ़े थे, हमने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। कि हम जब ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं, सांस अंदर खींचते हैं, उसे बोलते हैं इनहेलेशन। और जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। सांस को अंदर खींचना उसे इनहेलेशन बोलते हैं, और सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो ये है ब्रीदिंग का पार्ट, इसे कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। ये सांस लेना अंदर इनहेलेशन, और बाहर सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। जब हम सांस अंदर छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हमने फिर साथ में ये पढ़ा था कि द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीदिंग इन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। कि एक मिनट में हम लोगों ने कितनी सांस ली, कितनी बार सांस ली और कितनी बार सांस छोड़ी, उस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, वो हो गया ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस अल्टरनेटली। मतलब एक के बाद एक, पहले सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, फिर सांस लेते हैं फिर सांस हम छोड़ते हैं। तो एक मिनट में हमने कितनी बार ऐसा किया, उसे हम कहेंगे ब्रीदिंग रेट। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट जानना चाहोगे। डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज़ कॉन्स्टेंट और इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। क्या जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो ब्रीदिंग रेट है वो सेम है कि या चेंज होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से आप अपनी जो ब्रीदिंग रेट है उसको देख सकते हो कि हम एक मिनट में कितनी बार हम ब्रीद करते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कितनी बार हम करते हैं। तो ये एक्टिविटी है आपकी बुक पेज नंबर 128 पे। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हम लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं। हाउ एवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो आप इससे क्या करते हो, अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हो आप। ठीक है, टाइम देख सकते हो कि एक मिनट में आपने कितनी बार सांस ली है और कितनी बार सांस छोड़ी है। ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली। कि आप सांस लें और सांस छोड़ें नॉर्मली, जैसे हम सांस लेते हैं सांस और सांस छोड़ते हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट इन ए मिनट। फिर आपने देखना है कितनी बार आपने ब्रीद इन किया है, मीन्स सांस ली है, इनहेलेशन की है, और ब्रीद आउट मीन्स सांस बाहर छोड़ी है, एक्सहेलेशन किया है एक मिनट में। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल। क्या आपने इनहेल और एक्सहेल जो है वो सेम नंबर का काउंट किया है। नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स मिनट। और अब फिर आपने अपने ब्रीदिंग रेट काउंट करना है कि आपने एक मिनट में कितनी बार इनहेल और एक्सहेल किया है। आफ्टर ब्रिस्क वॉल एंड आफ्टर रनिंग, भागने के बाद, ठीक है, तेज तेज चलने के बाद और भागने के बाद आपने काउंट करना है कि कितनी बार आपने सांस छोड़ी और कितनी बार सांस आपने अंदर ली, मीन्स इनहेल और एक्सहेल आपने किया है। रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कम्प्लीट रेस्ट। ठीक है, फिर आपने ब्रीदिंग रेट को कंपेयर करना है जब आप रेस्ट करोगे। जब आप भागोगे, भागने जब आप भागोगे तब भी ब्रीदिंग रेट को काउंट करना है, और जब आप रेस्ट कर रहे होंगे, आराम से बैठे होंगे, तब भी अपने ब्रीदिंग रेट को काउंट करना है। टैबुलेट योर फिंगर्स एंड कंपेयर योर ब्रीदिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशन विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ आप ये डिस्कस कर सकते हो ब्रीदिंग रेट्स को लेकर, अपनी फिंगर पे काउंट कर सकते हो। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वेन एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर। ऊपर जो एक्टिविटी हमने अभी की उससे हमें पता चलेगा कि जब हम भाग रहे होते हैं या हम तेज चल रहे होते हैं, तब ही या शी, जेंट्स हो या लेडीज हो, उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सांस लें, देखिए जब हम स्लो स्लो चल रहे होते हैं या एक जगह बैठे हुए हैं या सो रहे हैं, तब भी हम सांस ले रहे हैं, लेकिन हम इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम जब भाग रहे हो, तेज़ तेज़ चल रहे हो, जंप कर रहे हो,
तो उस टाइम हमें सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एज ए रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू अवर सेल्स, तो हमारे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज, इससे क्या होता है हमारा जो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है वो तेज़ होता है और बहुत सारी एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, आप बता सकते हो कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई एक्सरसाइज करके आते हो या भाग के आते हो या कहीं दूर से चल के आते हो तो आपको भूख क्यों लगती है? ज़्यादा भूख लगती है जब हम ज़्यादा काम करके आते हैं, तो इससे क्या होता है जब हम ज़्यादा काम करके आते हैं तो हमें बहुत सारा वाटर बाहर निकलता है, मतलब पसीने निकलते हैं हमें बहुत, अर्क जिसे हम कहेंगे कश्मीरी में, तो हमें बहुत सारे पसीने निकलते हैं और इस चीज़ से क्या होता है हमारा वाटर लॉस हो जाता है, तो हमें जो एनर्जी है हमारी वो यूज़ हो जाती है। तो जब हम तेज़ चलते हैं तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी जो हमने खाया होगा वो सारा पच जाएगा, इसीलिए जब हम ज़्यादा फिजिकल काम करते हैं तो हमें भूख लगती है क्योंकि हमारी एनर्जी सारी एब्जॉर्ब हो जाती है और जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ होता है, जो खाना जो ब्रेक डाउन हुआ होता है वाटर में, वो एब्जॉर्ब सारा हो जाता है तो हमें वो भूख ज़्यादा लगती है। आगे है व्हेन यू फील ड्राउजी, ड्राउजी होता है स्लीपी, जब आपको नींद आने लगती है, ठीक है बेटा, तो आपको नींद का खुमार चढ़ता है, हमें लगता है हमें नींद आ रही है, तो उसे कहते हैं ड्राउजी, कि जब हमें ड्राउजी, जब हमें लगे कि हमें नींद आ रही है, अपने आप को नींद में महसूस कर रहे हो जब आप। डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन, क्या आपका ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम हो जाता है, कि तेज़ तेज़ ना ब्रीदिंग होगी जब हम, मैंने आपको बताया जब हम तेज़ तेज़ चलते हैं तो ब्रीदिंग रेट जो हमारा तेज़ आएगा, लेकिन जब हम आराम रेस्ट कर रहे हो या नींद में हो तो हमारा ब्रीदिंग रेट जो होता है वो कम आएगा। डज योर बॉडी रिसीव सफिशेंट ऑक्सीजन, क्या जितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए उतनी ऑक्सीजन आपको मिल रही है? यस, उतनी ऑक्सीजन आपको जो है वो मिल रही है। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बींग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15-18 टाइम्स इन अ मिनट, ये एक जो एवरेज है कि एक एडल्ट है, एक यंग मैन है, एक जवान आदमी जो है वो बींग एट रेस्ट, जब वो रेस्ट कर रहा हो तो वो 15-18 टाइम ब्रीथ करता है एक मिनट में। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर डे, देखिए जब एक अडल्ट, एक यंग मैन जो होता है जब वो रेस्ट कर रहा हो तो वो 15-18 टाइम जो है वो सांस लेता है एक मिनट में, लेकिन जब वो हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो तो वो 25 टाइम्स 25 बार जो है एक मिनट में तेज़ तेज़ सांस लेता है, क्योंकि वो हैवी काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। व्हाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीद फास्ट, वी ऑल्सो टेक डीप ब्रेथ्स एंड दस इनहेल मोर ऑक्सीजन, जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम जो है तेज़ तेज़ सांस लेते हैं हम लोग, और क्या करते हैं हम डीप ब्रेथ, तेज़ मतलब लंबी सांस हम खींचते हैं, और जो है मोर जब हम सांस लेते अंदर खींचते हैं तो हम बहुत सारी ऑक्सीजन भी हम अंदर ले लेते हैं। एक्टिविटी 10.3, ये देखिए वेरिएशन इन द ब्रीदिंग ड्यूरिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़, देखिए ये स्पोर्ट्स सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लेडी जो है कपड़े धो रही है तो ये इसका ब्रीदिंग रेट कम अलग होगा, ये सो रहा है इसका ब्रीदिंग रेट कम अलग होगा, ये चल रहा है इसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा, ये पढ़ रहा है इसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा, ये भाग रही है इसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा, और ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा है इसका भी ब्रीदिंग रेट कम होगा। जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं। फिगर 10.3 शोज द वेरियस एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल डे, 10.3 कहता है कि हम नॉर्मल डे में कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक आदमी जो है वो करता है। कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी द स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्ट, तो आप बता सकते हो कि इन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं इनमें से जिसमें कि ब्रीदिंग रेट स्लो है और जो जिनमें कि ब्रीदिंग रेट जो है तेज़ है। देखिए ये लेडी कपड़े धो रही है, इसका ब्रीदिंग रेट क्या आएगा? इसका ब्रीदिंग रेट थोड़ा हाई आएगा क्योंकि वो कपड़े धोने में मेहनत लगती है, जिस काम में मेहनत लगती है उसमें ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा आएगा, ये सो रहा है, ठीक है, जो सोने वाला काम है उसमें जो ब्रीदिंग रेट है वो कम होगा क्योंकि आपकी एनर्जी जो है कम लग रही है, इसमें चल रहा है इसका ब्रीदिंग रेट जो है वो भी तेज़ होगा, ये भाग रही है इसका जो ये स्लो स्लो चल रहा है, जो स्लो स्लो चल रहा होगा उसका ब्रीदिंग रेट जो है वो कम आएगा, लेकिन जो भाग रही है इसका ब्रीदिंग रेट ज़्यादा आएगा, ये जो है पढ़ रहा है इसका ब्रीदिंग रेट भी कम आएगा।
ये जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहा है तेज, इसका ब्रीदिंग रेट तेज है क्योंकि ये एक्सरसाइज कर रहा है। असाइन नंबर टू द पिक्चर इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग अकॉर्डिंग टू द योर एक्सपीरियंस। तो आपने इसको इंक्रीजिंग नंबर देना है आपने कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, पहले ब्रीदिंग रेट किसका है, उससे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट किसका है, फिर उससे ब्रीदिंग रेट ज़्यादा किसका है, फिर सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग रेट किसका है, तो आपने इसको नंबर देना है। तो नेक्स्ट आप है हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम सांस कैसे लेते हैं, यह है बुक पेज नंबर 129 पे, कि हाउ डू वी ब्रीथ। हम एक तो हमने पढ़ा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, कि हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग रेट हम देखते हैं कि ब्रीदिंग रेट जो है वो कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आगे हमारा आ गया है टॉपिक हाउ डू वी ब्रीथ, कि हम जो है सांस कैसे लेते हैं, कि हमें सांस कैसे लेते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सांस हम लेते हैं, ये देखिए ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो हम सांस किससे लेते हैं, नाक से, नेजल कैविटी से, ठीक है, नेजल कैविटी से हम सांस लेते हैं। तो ये जाते हैं हमारे लंग्स, तो ये हमारे लंग्स तक जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। तो आज हमने पढ़ा ब्रीदिंग रेट के बारे में, तो आप प्लीज़ इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। कल मैं आपको जो है कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।